हमें ये प्लान करना है कि हमें इस रूम से दूसरे रूम में कैसे शिफ्ट होना है। अभी दो दिन पहले तो आए थे, अब क्यों रूम चेंज कर रहे हो भाई? हम कल करेंगे स्कूबा डाइविंग। ओके प्रॉब्लम ये तो हमें भी करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम दिन शुरू हो गया है और जो है वो आज हम लोगों ने क्या करना है भाई। कल तो हम डूबते 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 बच गए हैं, आज जो है वो नया दिन है, नई चीजें, नई एक्टिविटीज करने को होंगी, तो बहुत सी चीजें आज हम लोग बैठ के प्लान करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमें ये प्लान करना है कि हमें इस रूम से दूसरे रूम में कैसे शिफ्ट होना है, कहां जाना है, कौन सा कमरा मिलने वाला है। आप सोच रहे होंगे भाई अभी दो दिन पहले तो आए थे, अब क्यों रूम चेंज कर रहे हो भाई? ये जो इतना खूबसूरत व्यू, ये जो स्विमिंग पूल, ये समंदर की लहरें, ये तो वही समंदर है भाई जो मुझे डुबोना चाहता था लेकिन मैं बच गई। और ये सारे जो हमारे कमरे का प्यारा व्यू, यार इसको मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। क्योंकि हमने कहा यार जरा हर चीज एक्सपीरियंस करें ना, अब ये एक्सपीरियंस कर लिया दो दिन, अब दूसरा करते हैं, वो भी उनकी स्पेशलिटी है। मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, उनका लगून विला है, ये वाटर विला था, हाँ। इसमें मजा आया, इसमें क्या डूबते डूबते बच गई। अब हमने कहा उधर जाते हैं जहाँ पे डूबने का चांसेस कम हो, आओ चले बाहर आ गया सामान पिक करने के। मेरे डूबने की वजह से चेंज कराया है? नहीं नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस अच्छा हो, कि हर चीज एक्सपीरियंस करें ना। हाँ। हमें कौन सा रोज रोज आना होता है? Yes. तो एक बड़ी चांस है तो एक्सपीरियंस करके जाते हैं। आप लोगों ने करा अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी बस हमारे लगेज बॉय बाहर खड़े हुए हैं और हमने अपने सूटकेस 1, सूटकेस 2, सूटकेस 3, सूटकेस 4, शॉपर वोपर सब चीजें पैक पैक। ओए मेरी वॉच, मेरा सन ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब मुझे पकड़ा दे। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, अभी जाते हैं वाला रूम दिखाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं क्या सीन है। अरे बाहर तो ऐसी चिपेड़ो वाली धूप है लेकिन क्या मौसम है जी। तो अब जनाब इन गलियों को हम बाय बाय कर रहे हैं और वहाँ वाली गलियों को करेंगे हाय हाय, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। रीव्स आपको तो सबसे ज्यादा जल्दी है, बहुत धूप है, इसीलिए जल्दी कैप पहनी हुई है आपने, बट यू डिडंट अप्लाई सनब्लॉक। देखते हैं कि कौन सा कमरा है जो हम नए कमरे में शिफ्ट होने वाले हैं, वो आपको जाके दिखाते हैं, लेट्स गो। बस हमको मिल चुकी है, अब वहां जाके बस करते हैं। A few moments later. चलें जी, फाइनली हम अपनी दूसरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, इन गलियों को हम कर रहे हैं हाय हाय, लेकिन ये भी मुझे सिमिलर लग रही हैं। जाके देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, अभी तो समझ नहीं आ रही, अभी तो वैसे लग रहा है फर्क तलाश करें, अब समझ नहीं आ रहा मुझे, जाके देखेंगे भाई। जी पहुंच गए हम अपने रूम में, दिस इज आवर, हुए हुए हुए, नाइस, ये हमारा रूम है भाई, वेरी नाइस न्यू रूम का। फायदा हुआ चेंज करने का, तुम अभी कहीं चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते। मुझे लगा शायद ये वो इधर साइड पे भी इसका व्यू है यार, इट्स वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे सोफा सेट है, यहाँ पे जो है वो बाहर सिटिंग एरिया है वो है, और बाहर सोफा सोफा है भाई, अच्छी वीडियोस अच्छी पिक्चर्स आएंगी, और स्विमिंग पूल के साथ वो अच्छा सबसे, ये बहुत प्यारा है, मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ जाहिर है, अभी कैसी रूम नहीं बदलते, रूम नहीं, नहीं मुझे लगा हम बीच साइड जा रहे हैं, ये हम उधर नहीं जा रहे, पूल साइड नहीं जा रहे यार, दिस इज वेरी क्रेजी। हाँ और पता है कि वो ब्लू वो वाटर है जिधर, हाँ पूल भी कितना खूबसूरत है, गुड डिसीजन रीप। चलें जी गाइस, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, मैं तो अब रिलैक्स करूंगी थोड़ी देर क्योंकि नए कमरे में शिफ्टिंग हुई, अभी हमारा सामान नहीं आया। आप कहाँ जा रहे हैं? कल तुम डूबने लगी थी ना, हाँ, अब कल मैं तुम्हें यानी कि टुमारो मैं तुम्हें इस समुंदर में डुबाऊंगा, समुंदर में डुबाऊंगा। क्या मतलब बरी? हम कल करेंगे स्कूबा डाइविंग, तो मैंने उनसे बात की है, ऑब्वियसली मैं खुद भी बहुत डरा हुआ हूँ लेकिन मैं जा रहा हूँ उनसे, उनके मैं डाइव सेंटर जा रहा हूँ, उनसे बात की है मैंने, वो हमें सारी वो चीजें देंगे, फॉर्म देंगे, वो मैं लेके आता हूँ, फिर हम बैठ के फिल करेंगे और हम डिसाइड करेंगे उस फॉर्म में क्या क्या है, अगर हमें कोई मसला वगैरह हम चीज वगैरह है। आज हमने वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है और कल हम वो करने लगे स्कूबा डाइविंग। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं वहां से होके आ रहा हूं, फॉर्म वगैरह लेके। तैयार मैं इतनी जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि मेरा बैग और सामान अभी तक नहीं आया, जब तक सामान नहीं आएगा मैं तैयार नहीं हो सकती, तब तक मैं रिलैक्स कर सकती हूं, जैसे ही आएगा फिर होंगी। लेकिन अरीब आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर स्कूबा डाइविंग। वैसे लोग कह रहे होंगे कि बाजी तेनू पंगे लैला के भी कोई चैन नहीं आया, कोई गल नहीं
स्काई डाइविंग थी ना, स्कूबा डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग है, ठीक है। जिंदगी में पता नहीं कभी कर पाते कि नहीं कर पाते, ये मौका है तो आप करके जाएंगे इंशाल्लाह। आप वो करा के आए, मैं तब तक अपना माइंड बना लूं, क्योंकि कल मुझे मम्मा से काफी डांट पड़ी है कि तुम फजूल में टार्जन बन के निकल पड़ी हो, बी स्मार्ट नॉट ब्रेव। फॉर्म शॉप लेके आऊंगा, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, समझ आया सब कुछ, ओके लगा तो फिर करेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, डन, ठीक है। और नीचे वो हम जाएंगे तो मछलियाँ मुछलियाँ सब चीजें होंगी ना, डन। उसको कहना हमें अच्छी जगह लेके जाए। खैर, अरीब साहब जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने और फॉर्म शॉर्म लेने और बुकिंग कराने। मैं तब तक थोड़ा रेस्ट रेस्ट करूंगी भाई। कमरा देख के ऐसा दिल खुश हुआ कि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे जिंदगी में इतना दे कि मैं अपना घर का कमरा इस तरह मेरा अपना आइलैंड हो। वाह 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 वाह, आमीन कह दो कमेंट में। A few moments later. So guys, मैं आ गया था वापस, मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ले आया था स्कूबा डाइविंग के लिए, तो मैंने कहा जाके एक साथ फिल करेंगे क्योंकि वापस जाना है, अभी उनको सबमिट करवाना है, सबमिट करवाएंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन होगी और सुबह कल हम कर पाएंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा स्कूबा डाइविंग होगा जब हम इसको फिल करेंगे। अब इसको पढ़ना है, इसमें क्या क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई आपको मसला वगैरह हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिस्क है। और मैं तो तैयार हो गया हूँ और इकरा मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई। इकरा जी तैयार हो जाए, जल्दी करें, इसको फिल भी करना है। बस मेरे ना बाल बिखर गए हैं, देखें मेरे बाल सारे बिखरे बिखरे नहीं लग रहे देख रहे हैं। ये क्या है, ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया, पता नहीं, वो सिल्की हो रहा था ना, शावर लेके आओ ना तो ये। जल्दी करो, इसको फिल करना है, 5 बजे टाइम बंद हो जाना। और अभी हमने एक एक्टिविटी भी करनी है, लंच भी करना, जल्दी कर ले यार। ओके ओके ओके, आ गई बस। मैं हो चुकी थी तैयार, आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आज भी मैंने बहुत ही जबरदस्त मेकअप कर लिया है अपना और थोड़ा स्टाइलिंग टाइलिंग चेंज की है। और परिंदे भी अपने घरों को जा रहे हैं और अरीब साहब जो है वो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। आप मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। चलो फिर, अब क्या करना, सीन है, इसको फिल करें ना प्रॉपर। हाँ, इसको फिल करना है। हाँ, इसको पहले खाने के लिए चलते हैं अरीब, फिर वहीं पे फिल कर लें, वहीं पे फिल कर लेंगे, निकले तो यहाँ से सीधा पहुंचते हैं रेस्टोरेंट, वहां से जाके खाएंगे अच्छा सा खाना। और खाना खाने के बाद हम लोग फिर स्कूबा डाइविंग का फॉर्म फिल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं। लेट्स गो। ओहो, हम खाने पे आए हैं। व्हाट हैपेंड अरीब? यार ये तो बड़ा प्रैंक हो गया यार, जो खाना खाने के लिए निकले थे वहाँ पे खाना नहीं है, अब एक और रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ चक्कर ही लगाते रहेंगे। हम लोग टाइम कितने पंक्चुअल होते ना, तो रोज डिफरेंट रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं तो हम पहुँच जाते। एक्सक्यूज मी, हमें भी लेट हो प्लीज, हम निकल पड़े। हाथ में पेंसिल ऐसे पकड़ ली जैसे मैं स्कूल की टीचर होती हूँ, यकीन करें बिल्कुल ऐसा वाली फील आ रही है, पढ़ाने जा रही। A few moments later. चलें जी, हम पहुंच चुके हैं जी फाइनली जंगली, एंड जंगली जाके चेक करते हैं भी जंगली है क्या ये। ना, डोंट कॉल मी जंगली। अरीब खाना तो यहाँ पे भी नहीं है, मुझे दिख रहा नहीं दिख रहा। अरीब वहाँ चलते हैं जहाँ कहीं हाई टी वगैरह हो रही है, चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है ना यार, यहाँ पे भी खाली पूल है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाना। निकलो यहाँ से। A few moments later. चलें जी, पहुँच गए हैं हम टुगेदर। यहाँ देखना ये बाकी है कि क्या यहाँ हमें खाना मिलता है या यहाँ से भी टुगेदर भूखे जाएंगे हम लोग। तो भाई थैंक गॉड, जहाँ पे हम टुगेदर होके पहुँचे हैं वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आखिरी ऑर्डर आप दे सकते हैं क्योंकि आप आखिरी कंटेस्टेंट हैं यहाँ पे, तो आपको खाना मिल जाएगा। सो अब हम लोग जो है ना वो यहाँ पे अरीब मेन्यू स्कैन करने लगा है, ठीक है, और मैं अपने वो पेपर पकड़ूंगी। ऐसे लग रहा है कोई असाइनमेंट सॉल्व करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, देखो फिल करो, कल जाना है हमने, ठीक है, पहले ऑर्डर कर दें ताकि वो चीज ना कैंसिल हो जाए, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। अभी पहले पेट बॉल खा लिए, पहले हम पेट पूजा करेंगे, उसके बाद कल की स्कूबा डाइविंग का ये सारा प्रोसीजर करते हैं। गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अब हम लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया और जमा करवाने के लिए हम पहुंचने लगे हैं स्कूबा डाइविंग के ऑफिस। वैसे ना जो भी है पानी में डर तो बहुत लगता है, लेकिन एक वंस इन अ लाइफ टाइम जा रहे वहां पे, उनसे डर करने लगे, फॉर्म देने लगे उनको, और फिर इंशाल्लाह कल इस मिशन को हम पूरा करेंगे। बेस्ट ऑफ कैप्टन इकरा, कैप्टन अरीब। चले यहाँ वहाँ पे पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे होती है भाई स्कूबा डाइविंग और यहीं पे है उनका दफ्तर। अरीब साहब ने पेपर, स्टाम्प पेपर हाथ में पकड़ लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। वहाँ पे हम ऑफिस पहुँचने लगे हैं और ये बाकी भी यहाँ पे और भी काफ़ी अरीब एक्टिविटीज़ हैं, आके वो भी चेक करते हैं, ठीक है। पहले हम ये पेपर जमा कराए, कल की अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, उसके बाद अभी जो एक्टिविटी होगी उनमें से देखेंगे कि क्या क्या है। अरीब यहाँ पे भी रिक्शा चलता है, ये तो मैंने अभी देखा है, इसको टुक टुक कहते हैं हम। ये टुक टुक है, ओए ये तो, और हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, बलाचिंग जी, रिक्शा चिंगची टुक टुक व्हाटएवर, हमारी चिंगची सबसे क्यूट है। पहुंच गए हैं स्कूबा के दफ्तर, तो वी नीड टू बुक फॉर द स्कूबा डाइविंग, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम। वो पूछ रही है पहले कभी कूदे हो, और सारे उनको बताओ कल कूदी थी और मरने लगी थी। बता दे, साइन वगैरह करवा ली उन्होंने, सारे नंबर ले लिए, अगर कुछ हो गया इन केस तो फिर किसके कॉन्टेक्ट करेंगे, अल्लाह खैर करे। मैंने अपने अबू का एड्रेस नंबर सब कुछ दे दिया है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉन्टेक्ट। वैसे इन्होंने इंश्योरेंस नहीं किया, इंश्योरेंस नहीं, ऐसे ही लुटको स्काई डाइव में
तो एक उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट सेट की थी कि अगर कुछ हो गया अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, मगर अभी भी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह खुद ही वापस आके फॉर्म देख रहे होंगे और चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहे होंगे। कल के वाकई में थोड़ा सा डरा दिया है और जीत है करा। हाँ आप इधर कमर्शियल कर रहे हो ना बैठ। अभी जाने लगे थे उन्होंने वापस बुलाया, उन्होंने कहा वापस आओ इधर आओ जरा छत्ती छत्ती आओ क्योंकि आप लोगों ने अपने शू साइज देने अपने कपड़ों के साइज देने क्योंकि कॉस्ट्यूम भी ये लोग अवेलेबल करके देंगे। ये वाला कुछ हुडिया बनाएंगे हमारा इस तरह का, डर लग रहा है फौजी बनेंगे फौजी। डर लग रहा है ये मेरे जूते आ गए इतने लंबे बूट। ओए अरीब के शूज चेक करो जरा, ये जूते हैं सारे, इसकी तैयारी करा रहे हैं अभी, प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं ताकि कल आपको खपना ना पड़े और आप सीधा डाइव करके आओ। ये सारा कॉस्ट्यूम रूम है इनका, यहाँ पे सारे वो चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे सारी वो लाइफ जैकेट्स हैं, इससे तो मेरा दिल ही उठ गया बेचारी लाइफ जैकेट्स हैं। और यहाँ पे जो है ना वो बाहर मेरे ख्याल से यहाँ से कूदेंगे बिल्कुल। ओए 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 सामने आप देख रहे हैं वो कितने प्यारे हमारे विलास लग रहे हैं, उनमें से ये एक विला में हम रहते हैं अभी आज कल। अब लेट्स सी की और क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी है और क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। जब स्पाइडर मैन अरीब की बारी है, स्पाइडर मैन पूरी आई है, परफेक्ट। दिस इज ओके, ओके क्वेश्चन एंड आंसर, ओके गो डाउन, ओके गो अप, ओके प्रॉब्लम, ओके प्रॉब्लम, ये तो हम ही करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अब बारी है भाई मेरे फोटोशूट की, जो असली काम था वो होने लगा है। कल क्या होगा? कल एडवेंचर होगा, जैसे स्काई डाइविंग से पहले हुआ था प्रॉब्लम, उसी टाइप की मुझे फीलिंग हो रही है, है ना। चले जी हम वहाँ से आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस स्विंग पे रेस्ट कर लूँ और अरीब साहब ने वहाँ पे वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया, उधर उनका मैच चल रहा है, ठीक है देखते हैं अरीब क्या करता है। देखो जरा आई है, ये हार रहा है भाई, अरीब जीत रहा है, टिंड से मार रहे गेंद को, है गेंद में सुराख हो जाना जितनी मोटी टिंड है। अरीब अरीब आपकी शर्ट पे क्या लिखा है? स्माइल। हाँ इट कंफ्यूजेस पीपल, हाय लोग वैसे आपको देख के कंफ्यूज हो रहे थे। वो है नाइस अरीब, अरीब समंदर में मत चले जाना। ओके 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 अरे क्या हुआ, देखा अभी मुझे कह रहे थे तुम खेलो, ये जो आपका हाल हो गया, इट कंफ्यूजेस नॉट पीपल इट कंफ्यूजेस अरे। यस वो इतने अरीब गया या अल्लाह, दैट्स इट, हार गया वो, हार गया हार गया हार गया। हां हमारा चैनल सब्सक्राइब किया जा रहा है क्योंकि वो कह रहा है, कह रहा मैं देखूंगा कहां पे आता है। दिस वेरी एस्ट्रोलॉजी, यस साइन इन, या This is me. And subscribe. Okay? This is her. Okay? Say hi to Pakistan. Hi. 1 hour later. So guys, खेल खेल के हम गए थे थक और अब सीधा पहुंच रहे हैं कुछ डिनर करने के लिए और वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि हम डिनर में क्या करने वाले हैं। बस मिल गई थी। अरीब आगे मेरे से अलग बैठ गए हैं। हाय मेरे से अलग क्यों बैठे हो? जगह ही नहीं। चलिए जी गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डिनर की जगह पे और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे आए, अरीब ने सही बुकिंग कराई है। आज हम इटालियन खाना खाएंगे, इटालियन, मैं तो स्टेक खाऊंगी। सामने मेरे सामने दो चांद है देखो, हाँ लेकिन गाइज बताएं मेरे लिए तो ये चांद खूबसूरत है, आपके लिए ये चांद है भाई, मेरी ऑडियंस और मेरे लिए दोनों के लिए डिलाइटफुल मून व्यू। वाओ स्टेक खाना है मैंने इतनी देर से नहीं खाया, आई विल हैव स्टेक और व्यू बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, पुरसुकून माहौल, मीठे चौल एंजॉय करते हैं। चलें जी गाइस हमारा खाना शाना आ गया, अरीब ने तो क्या सवैया मंगवाई है, अरीब सवैया यहाँ आके डायरेक्ट बस सवैया ही और कुछ नहीं, इतनी भूख लगी। इटालियन पास्ता भाई, खाना शाना आ गया, मजे का मेरा जूस वगैरह भी आ गया और फ्राइज वगैरह भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बस खाना शाना खाते हैं और अपना फिर निकलते हैं क्योंकि थकावट बहुत हो रही है और कल वैसे भी डुबकियाँ मारनी है, तैयारी करनी है, सुबह 7 बजे उठना है हमने। हाँ जी तो वही तो मैं कह रही हूँ कि कल मारनी है डुबकियाँ, तो उस डुबकियों के लिए आपको पहले रेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो आप डुबको डुबकी हो जाओगे जो मेरे साथ पहले हुआ है। तो गाइस हम लोगों ने खाना खाना खा लिया था और अब हम लोग खाना खा के नीचे आए, यहाँ पर वही प्रॉपर शो हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं। ओए ओके अच्छा है, ये अच्छा है वही गर्दन से नाइस।
पेट्रोल पी के और फिर फूंकते हैं। ये आसान है, तुम भी कर सकती हो। अच्छा, तुम ऐसे रोज करती हो, ऐसी आग लगाती हूँ मुंह से। बीट आ रही, कुछ होने लगा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो गाइस, हम लोग यहां से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। गाड़ी शाड़ी हमारा वेट कर रही है, यहां से निकलते हैं। बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। एंड विश अस गुड लक इन कॉमेंट बॉक्स, क्योंकि हम कल करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग। कल का व्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है, पानी के अंदर कूदने, प्रॉपर मछलियों से मिलके आएंगे, सैरे करके आएंगे, जमीन के नीचे घुसना है, पानी के नीचे जाना है। तो भाई आप लोगों ने वीडियो को लाजमी देखना है और दुआ भी करनी है और अभी गुड लक भी बोलना है कॉमेंट में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।